ओके okay, अब बनाते हैं हमारा टेंथ चैप्टर ठीक है टेन अंडर स्कोर पांडास और इसमें जो लास्ट वाला हमारा बैड डेटा था ना डुप्लीकेट वैल्यू वाला उसको समझते हैं ठीक है टेंथ पांडास यहाँ मैं कर देता हूँ रिमूविंग डुप्लीकेट्स डॉट पाए ओके और इसको बंद कर देते हैं और आ, ओके देखो डुप्लीकेट का मतलब क्या हो गया डुप्लीकेट मतलब डुप्लिकेट सीधी सी बात है जो भी रोज़ एक जैसी रोज़ होती है या फिर रजिस्टर होती है एक या दो या तीन चार बार अलग 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 एकदम सेम सेम वैल्यू रहेगी रो के हर एक कॉलम में सेम सेम वैल्यू वो आपकी डुप्लीकेट वैल्यू होती है ठीक है तो एक एग्जांपल लेते हैं ये जो हमने डर्टी डेटा बनाया था इसको एक बार एक्सप्लोरर पे खोलते हैं वापस और इसको मैं ओपन करता हूँ अब इस पर देखो आप नीचे आओगे ना तो ये देखो यहाँ पर आपको एक रो दिखेगी ये वाली ये देखो थर्टीन और फोर्टीन ये दोनों रो को आप देखना इन दोनों रो को देखो इनकी वैल्यू देखो बिल्कुल सेम है सारी वैल्यू बिल्कुल सेम है मतलब क्या है ये डुप्लीकेट है ये डुप्लीकेट है ठीक है अब इनको हमको या तो रिमूव करें ठीक है या फिर इनको हम सही करें सही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड वैल्यू है तो इसमें सही क्या करेंगे ना कोई नल है ना इसमें कोई एवरेज निकालना है तो या तो हम इसको डिप्लीट डुप्लीकेट करेंगे या फिर हम हर वैल्यू को ट्रू फॉल्स करेंगे ठीक है कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको हम रिमूव करेंगे ठीक है लेकिन कैसे करेंगे सब चीज़ें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको बंद करता हूँ ठीक है यहाँ पर लिखता हूँ इसको हटा देता हूँ और ये लास्ट वाला चैप्टर को पहले बंद कर देता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ रिमूविंग द डुप्लीकेट वैल्यूज़ ये हमारा चैप्टर है तो इसको आप क्या करोगे मालूम इसको करोगे आप डुप्लीकेट सबसे पहले तो आपको डिस्कवर करना पड़ेगा खोजना पड़ेगा कि डुप्लीकेट वैल्यू पूरे के पूरे डेटा सेट में कहाँ पर है तो वो आप कैसे करोगे यहाँ मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट यू नीड टू डिस्कवर द डुप्लीकेट वैल्यूज़ ठीक है लार्जर डे नॉर्मल डेटा सेट में तो आप सामने सामने देख सकते हो लेकिन बड़े बड़े डेटा सेट में खोजना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि अभी तो एक साथ लिखी थी दोनों वैल्यू तो हम जज कर लिए अगर एक वैल्यू हंड्रेड पे लिखी है हंड्रेड इंडेक्सिंग भी एक वैल्यू लिखी है थाउजेंड पे तो तो टफ हो जाएगा खोजना तो उसके लिए हम डुप्लीकेट का यूज करते हैं ठीक है हम क्या करते हैं वाया डुप्लीकेट मेथड डुप्लीकेट ये इस मेथड का यूज करते हैं ठीक है तो कैसे करेंगे ये क्या करता है मालूम स्टेप बाय स्टेप हर वैल्यू को निकालता जाता है कि इसके अंदर कौन सी डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी नहीं है तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ मैं इसको तो इम्पोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले जो ओरिजिनल डेटा स्ट्रिंग है ताकि कंपेयर करते बने जो हमने सब पे किया है ओके इसको अपन ने सेव कर लिया अब इसको एक बार एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ सबसे पहले और इसको नीचे ले आता हूँ ठीक है अब देखो इसमें ये देखो ये दोनों रो इलेवेंथ और ट्वेल्थ ये रो को देखो बिल्कुल सेम सिक्सटी सिक्सटी थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ मैं जो हमने अभी एक्सेल में देखा था है ना? बिल्कुल सेम सेम मैं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया आ, ये वाली इलेवन और ट्वेल्थ बिल्कुल देखो सेम अब इस पर हम थोड़ा सा प्ले करेंगे कि कैसे करना है क्या करना है अब समझते हैं ठीक है तो पहले तो अपन ने ये कर लिया अब इसमें नीचे नीचे आ जाओ ठीक है यहाँ पर क्या होगा कि हम एक वैल्यू लेते हैं जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न्स ट्रू फॉर एवरी रो ठीक है दैट इज़ डुप्लीकेट पहले तो डिस्कवर करना पड़ेगा ना अदरवाइज अदरवाइज रिटर्न फॉल्स ये कर सकते हैं खोजते हैं तो मैं कैसे खोजूंगा? सबसे पहले तो मैं रीड सी एस वी इसको एज इट इज़ उठा देता हूँ डर्टी डेटा को पेस्ट मैं इसको रीड करवाता हूँ रीड कराने के बाद इसको प्रिंट कमांड देता हूँ अब प्रिंट में इसको बोलता हूँ कि जो शरद है शरद के अंदर जितने भी डुप्लीकेट हैं डुप्लीकेट ये देखो आ गया डुप्लीकेटेड ठीक है जितने भी डुप्लीकेटेड हैं आप इसको मुझको शो करो सबसे पहला काम यही करना है यहाँ पर मैं डी लगाना भूल गया हूँ ठीक सबसे पहला काम मुझको ये करना है कि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू को आप खोजो अब ये कैसे खोजेगा क्या खोजेगा ये क्या पूरा का पूरा लिस्ट दिखाएगा नहीं ये हमको हमने क्या बोला है इसको ट्रू फॉल्स की स्ट्रेटेजी में लेके आएगा ये जो डुप्लीकेट है ना ये सबको ट्रू फॉल्स करता है और इंडेक्सिंग नंबर के हिसाब से ये क्या करेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे पूरा दे देगा और जो जो रो ट्रू है उसको ट्रू करेगा जो फॉल्स है वो फॉल्स करेगा जहाँ डुप्लीकेट है वहाँ पर ट्रू कर देता है ठीक है देखो एग्जीक्यूट करते हैं देखो थर्टी वन रो है अब इस रो में सब फॉल्स है कौन सा ट्रू है देखो ट्वेल्व ट्रू है ये डुप्लीकेट वैल्यू है बस इसमें एक ट्वेल्व है जो डुप्लीकेट है और ट्वेल्व कौन सा था ये वाला हमारा यस वन ट्वेंटी वाला जो दो डुप्लीकेट था नीचे आ जाओ ये देखो कहाँ गया ये इलेवन टवेल्व में पहली वाली वन वैल्यू को ओरिजिनल कंसिडर किया इसने दूसरी वैल्यू को डुप्लीकेट ठीक है नीचे आ जाओ ओके ये सिंपल सा तरीका है अब बात करते हैं कि हमने उसको डिस्कवर तो कर लिया रिमूव भी तो करना है अब यहां पे बनाते हैं कमेंट यहां लिखता हूं रिमूविंग द डुप्ली केट फ्रॉम द डेटा सेट इसके लिए क्या करना पड़ता है हम यहां पे लेते हैं वाया ड्रॉप डॉट डुप ली केट्स होता है मुझको यहाँ तक ध्यान है केट्स होता है अभी uh, हम लिखेंगे ना ऑटो में आ जाएगा वैसे केट्स ही होता है टेटेड उस केटड उसमें होता है केट्स इसमें होता है ये मुझको ध्यान है अब नीचे आओ कैसे करोगे इसको भी आपको किसने कैसे करना पड़ेगा इन प्लेस के थ्रू करना पड़ेगा ठीक है तो सिंपल क्या इसको एज इट इज़ पेस्ट कर लो रीड डेटा को अब क्या करना है हमको हमको करना है शरद ठीक डॉट अब यहां पर आप करोगे इसको ड्रॉप डुप्लीकेट ये देखो ई एस ही है ठीक है मैं बिल्कुल सही लिखा ठीक है, है सॉरी वो भूल जाता है कभी कभी इतना सारा कुछ रहता है ना होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है इंसान है अब यहां पर आप इसको कर दो इन प्लेस, इन प्लेस को क्या ट्रू ठीक है देखो कुछ कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था अभी बीच में मेरे पास एक मेल भी आया कि सर ये इन प्लेस इन प्लेस जो है हमको समझ में नहीं आया इन प्लेस आप उसको अलग तरीके से लो देखो इन प्लेस क्या करेगा ये चीज़ को कंफर्म करता है कि जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो एक नए डेटा फ्रेम में कोई भी वैल्यू को सेव मत करे ये मैंने सबसे पहले आपको बताया हुआ है आप उस वीडियो को जब बैड डेटा का हम बात कर रहे थे उसके पहले आप वीडियो को देखो आपको क्लियर हो जाएगा मैंने क्लियर किया हुआ है इन प्लेस हम तब यूज़ करते हैं जब हमको ओरिजिनल डेटा सेट में कोई चेंजेस करना रहता है लेकिन लेकिन वो कोई नया डेटा फ्रेम नहीं बनाता अगर मुझको यहाँ पर इसको देना रहता डुप्लीकेट तो मैं यहाँ क्या करता यहाँ पर मैं करता शरद न्यू इज इक्वल टू ऐसे करता मैं नया डेटा फ्रेम में सेट कराना है तो लेकिन मैंने नहीं किया इसीलिए उसको इनप्लेस ट्रू करना पड़ता है आपको ठीक है ये क्या करेगा ये चीज कंफर्म कर देता है कि जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ये कोई नए डेटा फ्रेम में कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा बल्कि सारे के सारे जो भी वर्किंग करेगा मॉडिफिकेशन एडिशन जो भी करेगा वो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में करेगा इसीलिए इन प्लेस को ट्रू किया जाता है इसको ध्यान रखो आप ओके अब मुझको क्या करना है अब बस मैं प्रिंट कर देता हूं ठीक प्रिंट और किसको करना है शरद डॉट टू स्ट्रिंग बस इसको फंक्शनाइज कर दो ठीक है अब क्या होगा जो ट्रू कहां पे था देखो बारह नंबर था बारह नंबर हट जाएगा रिप्लेस हो जाएगा ओके देखो एग्जीक्यूट करते हैं नीचे आओ नीचे आओ ये देखो ग्यारह तेरह बारह नंबर हट गया बारह डुप्लीकेट वैल्यू थी सिंपल सा तरीका ठीक है ठीके? इसी तरीके से आप सारा कुछ कर लो अब डुप्लीकेट में कोई अलग से ऑब्जर्वेशन कॉलम या ऐसा नहीं डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट डुप्लीकेट वैल्यू मतलब क्या होता है जो हर चीज़ों में डुप्लीकेट हो हर एक कॉलम मैच होना चाहिए एक रो में हर कॉलम मैच होना चाहिए जैसे शरद शरद एज 35, फाइव प्लेस रायपुर ये तीन कन्फर्म है ठीक अब इसके साथ में क्या होगा शरद एज 35 प्लेस रायपुर ये चीज़ें क्या होनी चाहिए एकदम मैच होनी चाहिए ना तब तो आप करोगे आगे अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है यही होता है डुप्लीकेट तो इसमें कोई अलग से एब्रिवेशन कोई अलग से ऑर्ग्यूमेंट कोई अलग से पैरामीटर पास नहीं करना है सिंपल यही होता है फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं क्लियर अब आप इसको बड़े से बड़े डेटा सेट में यूज कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटा बड़ा जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो ठीक है क्लियर ओके okay, चलो रोकते हैं इस ट्यूटोरियल को और फटाक से बढ़ते हैं आगे हमारा बैड डेटा लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है ओके okay? इतने तरीके के बैड डेटा होते हैं उसको इस तरह से रिमूव करते हैं ओके okay? चलो ओके okay.